तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि पावर में हिस्सेदारी। तो देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, जिसके बारे में हमने पिछले साल भी पढ़ा था, यानी क्लास 9th में भी पढ़ा था। और हमने यह नोट किया था कि डेमोक्रेसी में सभी पावर जो होते हैं एक सिर्फ एक आदमी के पास नहीं होती, या फिर एक ऑर्गन के पास नहीं होती किसी भी सरकार की। तो एक अच्छा जो पावर शेयरिंग ऑफ पावर जो होता है, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पावर शेयर किया जाता है, और ये डेमोक्रेसी के डिज़ाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में और इसके अगले वाले चैप्टर में भी। तो देखिए, यहाँ पर हम बेल्जियम और श्रीलंका, इन दो जगहों की कहानी पढ़ेंगे और उनको कंपेयर करके देखेंगे कि आखिर क्या सही है और क्या गलत, किस तरह से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए और किस तरह से डेमोक्रेसी चलाना सही नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हमारे चैप्टर के कंटेंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम दिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका। तो हमें इन दोनों जगहों के बारे में पढ़ना है और इन दोनों जगहों पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको कंपेयर करना है, ताकि हमें डेमोक्रेसी के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो देखिए, बेल्जियम जो है, बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में, और अगर आप इसके इलाके की बात करें, साइज़ की बात करें, तो ये आपका जो हरियाणा स्टेट है उससे भी छोटा है। और इसकी बॉर्डर जो हैं वो लगते हैं आपके नीदरलैंड से, फ्रांस से और जर्मनी से। और इसकी जो पॉपुलेशन है वो आपके 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, करीब आपकी जो हरियाणा की आबादी है उससे आधी। और यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है, यानी कि जो अलग अलग ग्रुप, तरह तरह के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में आप एथनिक कंपोजिशन बात करेंगे तो आप बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ये एक तरह का एथनिक कंपोजिशन हुआ। फिर आप बात करेंगे यूपी के रहने वाले लोग, फिर महाराष्ट्रियन, तमिलियन, तेलुगु, या फिर इस तरह से एथनिक जो ग्रुप है लोगों का, या फिर हम कह सकते हैं कि एक क्लास है लोगों का, उसको हम एथनिक ग्रुप कहते हैं। तो वहीं अगर हम एथनिक कंपोजिशन हमने इंडिया का देखा, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपका बेल्जियम है, वहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्यों और मुकाबले हम देखें तो वहाँ की आबादी बहुत ही छोटी सी है, यानी करीब 1 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस पूरी आबादी में से, इस देश की पूरी आबादी में से 59% जो आबादी है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है, और ये डच लैंग्वेज बोलती है। और इसके बाद जो 40% आबादी है वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच बोलती है। और इसके बाद जो 1% आबादी बसती है वो बेलाइन रीजन में रहती है और जर्मन लैंग्वेज बोलती है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है। और अगर हम यहाँ के कैपिटल सिटी की बात करें, जैसे इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली है, वैसे ही बेल्जियम की कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स। तो यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है यहाँ का, यानी कि वो बेल्जियम की राजधानी का, उसमें 80% जो हैं वो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, और 20% लोग जो हैं वो डच बोलने वाले लोग हैं, यानी डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पारा की ओर। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेटर ऑन। तो देखिए, जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, यानी जो फ्रेंच बोलते थे, वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। और वहीं जो डच स्पीकिंग लोग थे, यानी जो लोग डच बोलता करते थे, वो उतने ज़्यादा अमीर नहीं थे और उतने ज़्यादा पावरफुल भी नहीं थे। और इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं उन दोनों के बीच में कंपटीशन का भाव था, या फिर हम कह सकते हैं जलन का भाव, हम सिंपली समझे तो। और क्योंकि डच स्पीकिंग जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, या फिर जो डेवलपमेंट हुआ देश में उसका फ़ायदा लेट से मिला, और पूरे एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा लेट से मिला, इस वजह से जो डच बोलने वाले लोग थे और जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गया आपके 1950s और 1960s में। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। तो देखिए, इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन हुआ वो आपके ब्रसेल्स में और भी ज़्यादा था। उसका रीज़न ये था कि ब्रसेल्स, यानी कि जो बेल्जियम की राजधानी थी, वहाँ की परेशानी थोड़ी अलग थी। उसका रीज़न ये था कि देखिए, जो डच स्पीकिंग लोग थे, यानी डच बोलने वाले लोग थे, जो कि पूरे देश में 60% थे, लेकिन इस राजधानी में सिर्फ 20% थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यहाँ पर आप देखेंगे तो 20% आबादी डच बोलने वाले लोग थी। और वहीं जो फ्रेंच बोलने वाले लोग थे पूरे देश में, उनकी आबादी 40% थी, यानी वो माइनॉरिटी थे। लेकिन जब हम राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वहाँ पूरी तरह से वो डोमिनेंट थे, क्योंकि उनकी आबादी वहाँ पर 80% थी।
तो अब हमने देख लिया बेल्जियम के बारे में, अब हम इसको कंपेयर करते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका के साथ। तो देखिए श्रीलंका का भी जो स्ट्रक्चर है वो आपका बेल्जियम से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, और श्रीलंका एक तरह का आइलैंड नेशन है, यानी कि उसके जमीनी जमीन के हिसाब से उसका कोई पड़ोसी मुल्क नहीं है। और श्रीलंका के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि वो हमारा एक पड़ोसी देश है, और अगर आप ये भी जानते होंगे कि वो तमिलनाडु के तट से थोड़ा सा दूर है, और वहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ है, 2 करोड़ लोग वहाँ पर रहते हैं। और इसको भी आप कंपेयर करें तो ये हरियाणा में जितनी आबादी है उतनी ही आबादी है। तो साउथ एशिया रीजन में, यानी कि जो इंडिया का जो रीजन है, इंडिया के आसपास जो देशों का रीजन है, बिल्कुल उसी तरीके से श्रीलंका जो है उसका पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, यानी बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग या फिर बहुत अलग अलग तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो श्रीलंका में जो सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है, यानी जो मेजर सोशल ग्रुप है, वो है सिन्हला स्पीकर, यानी जो लोग सिन्हला लैंग्वेज को बोलते हैं, और उनकी आबादी है 74%, वो 74% है। और इसके बाद तमिल स्पीकर्स लोग हैं जो कि तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, जिनकी आबादी है 18%, 18% लोग वहाँ के तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखिए तमिल लोग जो हैं, यानी जो तमिल भाषा बोलते हैं, उनके बीच में 2 तरह के ग्रुप्स हैं। पहला जो तमिल नेटिव हैं, यानी कि जो श्रीलंका के ही रहने वाले हैं और तमिल बोलते हैं, और दूसरा जो इंडिया से गए हुए तमिल हैं वो। तो यहाँ देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये मैप दिखाना चाहूँगा, ये मैप बेल्जियम का है। तो बेल्जियम में यहाँ पर जो आपका येलो रीजन है, येलो ये डिज़ाइन है यहाँ पर, ये जो रीजन है यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रहते हैं इस रीजन में, और जो हमारा रेड रीजन है ये पूरा यहाँ पर आपके क्या कहते हैं फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, और ये जो छोटा सा डैश किया हुआ रीजन है यहाँ पर, और हाँ यहीं पर, यहाँ पर आपको जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं। और यहाँ हम राजधानी की बात करें यहाँ पर, तो ये राजधानी है ब्रसेल्स। तो ये हमने देख लिया बेल्जियम का कि देखिए ये दोनों अलग अलग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम श्रीलंका की बात कर रहे थे। श्रीलंका में जो तमिल्स हैं वो 2 कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड हैं, आपका श्रीलंकन तमिल्स, यानी जो नेटिव वहाँ के रहने वाले लोग हैं तमिल जो बोलते हैं, और दूसरा जो इंडिया से गए हुए लोग हैं वो। तो देखिए इंडिया से लोग गए क्यों थे, जब ब्रिटिश का शासन था इंडिया पर, श्रीलंका पर, इस पूरे रीजन पर, तो उस समय में प्लांटेशन वर्कर के रूप में कॉलोनियल पीरियड में इंडियंस को ले गए थे वो तमिलनाडु से और दूसरे रीजन से। तो ये लोग जो थे ये तमिल बोलते थे, और यही लोग आगे चलकर वहाँ पर इंडियन तमिल कहलाने लगे। तो देखिए नीचे मैप की यहाँ पर बात की जा रही है कि श्रीलंकन तमिल जो हैं वो कंसंट्रेटेड हैं नॉर्थ और ईस्ट कंट्री के, नॉर्थ और ईस्ट रीजन में। जो मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल हैं वो बुद्धिस्ट हैं, वहीं जो तमिल जो रहने वाले, तमिल जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदूज़ हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। और इसके अलावा करीब 7% आबादी है क्रिश्चियंस की, जो कि तमिल भी हैं और सिन्हला भी हैं। तो देखिए आप अगर दोनों जगहों के सिचुएशंस को हमने देख लिया, बेल्जियम के सिचुएशन को और हमने श्रीलंका के सिचुएशन को देख लिया, तो आप सोच सकते हैं कि इस तरीके के सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो अपने संख्या बल का फ़ायदा उठा सकती है, यानी कि जो उसकी संख्या बल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका फ़ायदा उठा सकती है, एडवांटेज उसका ले सकती है, और अपने अपने मन को, यानी कि जो वो चाहती है वो उसको फोर्स कर सकती है फ्रेंच लोगों पर और जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनके ऊपर। तो देखिए ये जो चीज़ होगी ये दोनों कम्युनिटीज़, तीनों कम्युनिटीज़ के बीच में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा, और ये एक तरीके का पूरे कंट्री में पार्टीशन क्रिएट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब दो कम्युनिटीज़ इतने लार्ज स्केल पर एक दूसरे से फाइट करेंगी तो वो एक साथ फिर रह ही नहीं सकती है। और वहीं अगर हम बात करें आपके श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी थी या फिर अभी भी है, उनकी जो आबादी है वो आपके जो डच लोग हैं ब्रसेल्स, सॉरी बेल्जियम में, उसके मुकाबले और भी ज़्यादा है। तो इनके पास और भी ज़्यादा चांसेस है कि ये अपने मन को दूसरे लोगों पर आसानी से